रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक काबिले अफसोस वाकया जी, आज एक पाकिस्तानी का सर कलम कर दिया गया है। किस केस के सिलसिले में आपको ये बता दूंगा मैं। तमाम मेरे परदेसी भाई यार, मैं ये बात बोलूंगा वीडियो के स्टार्ट में, अगर आप परदेस में बैठे हुए हैं तो यार एहतियात करें। अगर आपको खुदा न खवास्ता किसी से लेन देन का आपका मसला है या कोई किसी किस्म का हिसाब है, तो बेहतरीन तरीका उसका ये होता है कि आप अदालत का रुजू कर लें, अदालत चले जाएं। वो अच्छा है मकतबे अमल, यानी कि वहाँ बाहर आपको भाई पाकिस्तानी इंडियन भाई मिल जाएंगे। वो 50,000 लेते हैं, आपकी फ़ाइल बनाकर अंदर जमा करवा देंगे आपके पास। जिस किसी के साथ भी आपका लेन देन का मसला है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सबूत प्रूफ के तौर पर आपको चाहिए, वो आपने पेश करना है। वो उस बंदे को खुद ब खुद ऑनलाइन मंगवा लें, बुलवा लेंगे कि भाई हाज़िर हो जा, इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर ये एक मसला किया है और ये इसके मामला हल कर। और मेरे पास आज यकीन माने एक ऐसा केस भी आया कि उस भाई ने ना किसी की मोटरसाइकिल थी उसके पास और वो चोरी हो गई उससे। तो जिसकी मोटरसाइकिल थी उसने भाई केस कर दिया उसके ऊपर कि मेरी मोटरसाइकिल इसने बेच दी है, मेरी मोटरसाइकिल निकालो। उस बेचारे को मोटरसाइकिल के पैसे देने पड़े, वो स्कूटी होती है जो बगालों वालों ने रखी होती है, यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल ये पाकिस्तानी और मिस्री का कुछ लेन देन का भाई आपस में मसला था, जिसकी बिना के ऊपर इन दोनों में झड़प हुई। और मैं अभी पाकिस्तानी का नाम वगैरह मुकम्मल तफसील लिखी हुई है, लेकिन भाई चलो अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मगफरत फरमाए, यही बोलूँगा। अच्छा, बहरहाल आपस में इनकी झड़प हुई है, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, यानी कि लेन देन के मामलों को लेकर। तो मिस्री ने पाकिस्तानी को मारा है, फिर पाकिस्तानी के हाथ में एक आप बोल रहे कि छुरी, जिसे आप चाकू बोल सकते हैं, वो आ गई है। उसने भाई वो उसको मिस्री को लगाने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी लगाए हैं उसके। उसके बाद वो मिस्री जो है उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उसकी डेथ होगी। केस चला, पाकिस्तानी पकड़ा गया, अदालत ने पूछा, उसने इकरार जुर्म किया। उसने बोला जी बिल्कुल, मैंने ही इसको, जो भी ये मामला मुझसे ही हुए हैं, मेरा लेन देन का मसला था और मुझसे ही ये काम हुआ है। तो अदालत ने भाई सजाए मौत का फिर हुक्म सुनाया और इस पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन वहाँ से भी वो हुक्म बरकरार रखा गया। और उसके बाद शाही नामा, शाही तौर पर आपको पता है सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद ही किसी बंदे का सर कलम होता है। तो वो भी जब सिग्नेचर हुए हैं शाही तौर पर, तो उसके बाद मक्का रीजन की जमात है, उसके बाद भाई इस पाकिस्तानी को आज सजाए मौत दे दी गई है। तो बहरहाल इनकी जो बॉडीज़ वगैरह हैं जी, वो पाकिस्तान जो भी इनका ड्रेस वगैरह होगा वहाँ पर, अगर ये चाहें तो हो फैमिली वाले भाई बोलेंगे तो वो भेज देंगे। तो अभी की ये जो आज की न्यूज़ थी मैंने आपको बताया, तो तमाम पाकिस्तानी भाई मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे मामला में थोड़ा सब्र करें और अदालत से रुजू कर लें यार, वो अच्छा है।